तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे, आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में, मतलब कि यूट्यूब पे अपनी वीडियोस पे व्यूज़ कैसे लाए। मैं यहां पर आपको बहुत अमेजिंग टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी वीडियोस बहुत ही जल्दी वायरल हो जाएगी। गाइस ये यूट्यूब है, यहां पर स्किल और मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां पर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप गेम प्ले की वीडियो डालकर व्यूज़ ले सकते हो, क्योंकि यहां पर सिर्फ 15 मिनट की गेम प्ले डालने से लाखों की इनकम होती है। जैसे यहां पर आप टोटल गेमिंग को ही ले सकते हो, तो बस यही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही साथ अगर आपकी YouTube पे चैनल नहीं है या फिर आपने बंद कर दिए और आप टॉपिक को ढूंढ रहे हो कि किस टॉपिक पे वीडियो बने, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स भी बताऊंगा, तो उसे भी देखना ना भूलें। पर इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यार अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो इसे भी सब्सक्राइब कर दे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो गाइज यहाँ पर आपको पहले नंबर पे अपनी वीडियो के लिए परफेक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस वीडियो के लिए कौन सा टाइटल रखना चाहिए। यह बात 100% श्योर है कि आपकी वीडियो पे आपके टाइटल की वजह से ही व्यूज़ आने वाले हैं, इसीलिए आपको टाइटल सोच समझ कर अच्छा लिखना है। मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम टैग यू है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप टैग यू एप्लीकेशन से कोई भी वीडियो के टैग्स निकाल सकते हो। आपको सिंपली वो टैग्स को अपने वीडियो का टाइटल बना देना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस एप्लीकेशन पे आकर कोई भी एक टॉपिक के बारे में सर्च कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर फ्री फायर के ही मोस्ट पॉपुलर टैग्स को ले लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर हमारे सामने फ्री फायर के बहुत सारे टैग्स आ चुके हैं, तो अब मैं इन टैग्स को अपनी वीडियो का टाइटल बना दूंगा। तो इस तरह आप अपने वीडियो का टाइटल रख सकते हो, और बहुत सारे लोग इसी तरह अपने वीडियो का टाइटल रखते हैं। तो ये हो गई पहली टिप्स जिससे आप अपनी वीडियो का टाइटल लगा सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगली ट्रिक की तरफ। तो गाइज यहाँ पर हमारी दूसरी टिप है टैग्स के बारे में, मतलब आपको सभी वीडियोस में टैग्स तो लगाने ही लगाने हैं। एक होता है टाइटल जिससे व्यूज़ आते हैं, और टाइटल के बाद दूसरे नंबर पे टैग्स की बारी आती है। आप YouTube स्टूडियो में जाकर कोई भी वीडियो पे कोई भी टैग्स लगा सकते हो। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने टैग्स पे अपने टाइटल को ही छाप देना है। इसके बाद आपको टैग यू एप्लीकेशन पे जाकर फिर से अपने नए टैग्स लेने हैं। अगर आपने अच्छे टैग्स रखे होंगे तो आपके 100% व्यूज़ आएंगे। इसके लिए आपको कंप्यूटर या PC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यूट्यूब स्टूडियो पे जाकर ही अपने मोबाइल से टैग्स लगा सकते हो। तो इस तरह टैग्स से आपके व्यूज़ इंक्रीज होते हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे अगले ट्रिक की तरफ। तो गाइस हमारी अगली ट्रिक है थंबनेल के बारे में, मतलब आपको अपनी वीडियो के लिए बहुत ही अच्छी थंबनेल बनानी है। अगर आपकी थंबनेल अच्छी होगी तो ही आपके व्यूज़ आएंगे। एक थंबनेल ही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पूरे वीडियो के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत बड़ी संख्या में ऐसी ऑडियंस है जिसको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, मतलब कि छोटे बच्चे जो सिर्फ थंबनेल को देख कर ही उस पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपकी थंबनेल अच्छी होगी तो ही आपके व्यूज़ आएंगे, वरना व्यूज़ के बारे में तो आप सोचो ही मत। आपकी वीडियोस चाहे जैसी भी हो, पर अगर उसमें थंबनेल अच्छी होगी तो आपके व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। इसको थंबनेल का पावर कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप बहुत ही अच्छी थंबनेल बना सकते हो। आपको YouTube पे भी थंबनेल बनाने की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, तो आप उसे देखकर भी थंबनेल बनाना सीख सकते हो। तो गाइज इसके लिए बस इतना ही, चलते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर हमारे अगली ट्रिक का टॉपिक है कैप्शन। अगर आप अपने वीडियो के लिए दूसरे देशों से भी व्यूज़ लाना चाहते हो तो आपको कैप्शन लिखना ज़रूरी है। कैप्शन का मतलब होता है सबटाइटल जो वीडियो के नीचे लिखा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि कोई व्यूअर जिसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती वो कैप्शन ऑन करके आपकी वीडियो को देख सकता है। अगर आप हिंदी में वीडियो बनाकर उसका टाइटल इंग्लिश में लिखते हो तो जायज़ है कि आपके फॉरेन से भी व्यूज़ आएंगे, तो उन लोगों को भी आपकी वीडियो समझ में आए, इसके लिए आपको सबटाइटल मतलब कि कैप्शन लिखना ज़रूरी है। तो ये थी सबटाइटल वाली ट्रिक, चलते हैं हमारे अगली ट्रिक की तरफ। तो अगली ट्रिक है कि वीडियो अच्छी बनाओ। ऐसी वीडियोस बनाओ जिससे आपकी ऑडियंस बोर ना हो। जैसे मैं इस वीडियो में गेम प्ले की वीडियो डाल रहा हूँ जिससे ऑडियंस गेम भी देखे और मेरी बातें भी सुन सके। इससे क्या होता है कि आपकी ऑडियंस बोर नहीं होती और वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं चली जाती, जिससे आपके एवरेज व्यू बढ़ता है। अगर आपके वीडियो का एवरेज व्यू ज़्यादा होगा तो आपकी वीडियो ट्रेंड करेगी और वायरल हो जाएगी। तो लास्ट में देखने जाए तो आपकी वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहो तो जोक्स भी कह सकते हो या फिर फनी क्लिप भी डाल सकते हो। लास्ट में बताओ तो आपकी ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए। इस ट्रिक में बस इतना ही था, चलते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। तो गाइज यहाँ पर अगली ट्रिक है हमारे अकाउंट के बारे में, मतलब कि गेस्ट अकाउंट के बारे में। अगर सिंपल भाषा में बोले तो आपके ही फेक अकाउंट्स के बारे में।
जैसे कि आपने अभी अभी नई YouTube चैनल बनाई जिस पर 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो आप इन फेक अकाउंट्स का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ एक बात याद रहे कि मैं सब फॉर सब की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उन चैनल से अपनी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो और अपनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी चैनल की हाइप और एंगेजमेंट दोनों ही बढ़ जाएगी। आप चाहो तो आप अपने वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे आपकी वीडियोस पे व्यूज़ भी आएंगे। आप चाहो तो आप अपने टॉपिक के रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो इस तरह आप इस ट्रिक से अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ ले सकते हो। तो इस ट्रिक में तो बस इतना ही था, चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइज़, यहाँ पर हमारी अगली ट्रिक है प्लेलिस्ट के बारे में, मतलब कि आपको प्लेलिस्ट बनाकर अपने वीडियोस पे व्यूज़ लेने हैं। आपको यहाँ पर आपके वीडियोस के रिलेटेड प्लेलिस्ट बनानी है, जैसे टेक वीडियोस के रिलेटेड टेक प्लेलिस्ट, फनी वीडियोस के रिलेटेड फनी प्लेलिस्ट, इस तरह। गाइज़, यहाँ पर आपको वीडियोस से ज़्यादा प्लेलिस्ट को शेयर करना चाहिए, क्योंकि वीडियोज़ अगर आप शेयर करोगे तो एक ही वीडियोज़ में व्यूज़ आएंगे, अगर प्लेलिस्ट शेयर करोगे तो उसमें सारे वीडियोज़ में व्यूज़ आएंगे। आप चाहो तो कोई भी फेक अकाउंट यूज़ करके आप अपनी प्लेलिस्ट देखकर बहुत सारे व्यूज़ ले सकते हो और बहुत सारा वॉच टाइम भी ले सकते हो। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपके मोबाइल में अगर चार्ज नहीं है तो आपको सिंपली अपनी प्लेलिस्ट ओपन करके अपने मोबाइल को चार्ज में रख देना है, जिससे आपके मोबाइल में चार्ज भी होता रहेगा और आपके वीडियोज़ पे व्यूज़ भी आएंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल का मोनिटाइजेशन ऑन करने के लिए इस तरह अपने वीडियोज़ को खुद ही देखते हैं। अगर आपको भी अपनी चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करना है तो आप प्लेलिस्ट की मदद से अपने चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। ये कोई गलत तरीका नहीं है और इससे आपकी चैनल को भी कुछ नहीं होगा और आपका मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा। तो ये थी प्लेलिस्ट वाली ट्रिक, जिससे आप अपने वीडियोस पे व्यूज़ के साथ साथ वॉच टाइम भी ले सकते हो। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़, बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो गाइज़, यहाँ पर हमारी अगली ट्रिक है ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में। तो इसमें आपको अपनी सभी वीडियोस ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही बनानी है, जो ट्रेंड अभी है उसी पे सभी वीडियोस होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक पे अगर बनाते हो तो आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में जल्दी से आ जाती है। तो यहाँ पर ऐसी संभावना भी बहुत रहती है कि आपकी वीडियो वायरल हो जाए। तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनानी कभी नहीं भूलनी है। आपने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स को भी देखा होगा जो हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाते हैं। तो आपको सिंपली वायरल टॉपिक्स को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल ट्रेंड्स वेबसाइट का उपयोग करना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ जाकर भी इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप ये लिस्ट देख सकते हो जो सिर्फ आज की है, और इसके ऊपर इसकी तारीख भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको हर रोज़ आकर ट्रेंडिंग टॉपिक को ढूंढकर उस पर जल्दी से एक वीडियो बना देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाएगी और आपको हर रोज़ के लिए टॉपिक भी मिल जाएगा। तो इस ट्रिक में बस इतना ही था कि कैसे आप ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर भरपूर व्यूज़ ले सकते हो। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलते हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गाइज, यहाँ पर हमारी अगली ट्रिक है एंड स्क्रीन के बारे में। इसका मतलब आपको आपके वीडियो के लास्ट में और वीडियोस दिखाई देंगे। इससे क्या होगा कि कोई व्यूवर्स आपकी पूरी वीडियो देखेगा तो उसको आपकी और भी वीडियोस दिखेंगी। यहाँ पर हमेशा चांस रहता है कि आपकी सभी नई वीडियोस पे भी बहुत सारे व्यूज आ जाए। ये एंड स्क्रीन वाला फीचर बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ रख सकते हो। आप इसमें अपने वीडियोस रख सकते हो, अपने वीडियोस की प्लेलिस्ट भी रख सकते हो और अपना चैनल भी रख सकते हो, मतलब अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन भी रख सकते हो। आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए अपनी सभी वीडियोस पे व्यूज़ चाहिए, तो यही बेस्ट तरीका है जिससे आप अपनी सभी वीडियोस पे व्यूज़ ले सकते हो। तो इस ट्रिक में तो बस इतना ही था, तो चलते हैं हमारे अगली और लास्ट ट्रिक की तरफ। गाइज, यहाँ पर हमारी अगली ट्रिक है कि कुछ अलग वीडियो बनाओ, मतलब हटके वीडियो बनाओ। अगर सिंपल भाषा में बोलने जाए तो अपने टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाओ। ऐसी वीडियोस जो आपके चैनल के रिलेटेड नहीं है, आपको ऐसी वीडियोस हर महीने एक बार डालनी है, या फिर आप हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हो तो आप वीक में एक दिन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके जो सब्सक्राइबर है, जो आपकी वीडियोस नहीं देखते पर सब्सक्राइब कर रखा है, वो भी आपकी वीडियोस देखने आएंगे। इसमें अगर देखने जाए तो आप Q&A की वीडियो बना सकते हो, सेटअप टूर की वीडियो बना सकते हो, या फिर आप किस तरह वीडियो बनाते हो उसके बारे में बता सकते हो। गाइज, यही थी हमारी इस वीडियो की टॉप 10 ट्रिक्स, जिससे आप अपनी वीडियोस को रैंक कर सकते हो और बहुत सारे व्यूज़ ले सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको पहले ये भी कहा था कि मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा, तो चलिए अब हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर देखने जाए तो YouTube पे टॉपिक्स की कमी ही नहीं है। यहाँ पर हम जो वीडियो डालते हैं वो सीधा टॉपिक ही बन जाता है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। अगर मैं उन सभी टॉपिक्स की बात इस वीडियो में करूँगा तो ये वीडियो करीब 30 मिनट लंबी हो जाएगी। तो मैं इस टॉपिक के बारे में एक अलग वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ। मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो कि क्या मुझे उस टॉपिक के बारे में अलग वीडियो बनानी चाहिए।
तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि अपनी वीडियो पे व्यूज़ कैसे लाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कौन न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।